हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में हम सी लैंग्वेज से ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे आज की ट्यूटोरियल में कि सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनका सी लैंग्वेज में किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। दोस्तों, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कुछ स्पेशल सिम्बल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई एक्सप्रेशन है, देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा C इक्वल टू ए प्लस बी, ये एक एक्सप्रेशन है। सी लैंग्वेज में हम लोग इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। अब जो एक्सप्रेशन होती है वो कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उसमें होता क्या है, ऑपरेटर होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो सी है, ए है और इसके अलावा बी है, ये तीन है, ए बी और सी। तो यहां पर इन्हें हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड। क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स, या इन्हीं को हम लोग वेरिएबल्स भी बोलते हैं कि जिन पर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेंड्स। और इसके अलावा जो सिंबल्स बने हुए हैं इक्वल और प्लस, इन्हें हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स। तो ये जो सिंबल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ ऑपरेशंस यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे प्लस क्या कर रहा है, ए और बी को ऐड करा रहा है, और जो असाइनमेंट है वो क्या कर रहा है कि यहां से जो वैल्यू ऐड हो रही है वो सी में असाइन कर रहा है। तो यहां पर इन सिंबल्स का कुछ ना कुछ बेसिक यहां पर वर्क है, तो वो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस जो सिंबल है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पर जो सिंबल्स है उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स, और जो ए बी और जो सी वेरिएबल्स हैं उन्हें हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं, और पूरी जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन कहलाती है। तो होता क्या है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं वो मेनली दो कैटेगरी में हम लोग उन्हें डिवाइड करते हैं, जो सी लैंग्वेज होती है उनमें, उसमें दो कैटेगरी में हम उन ऑपरेटर्स को डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनरी ऑपरेटर, और दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर। दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनरी ऑपरेटर। दोस्तों होता क्या है, जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, मतलब जो एक ही ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। जैसे हमने कहा प्लस प्लस ए या सी माइनस माइनस, तो यहां पर क्या है, ये जो है ये एक ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड है। तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट, अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जो एक ही वैल्यू को वन से इंक्रीज करेगा। तो यहां पर क्योंकि सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क कौन कर रहा है, सिंगल ऑपरेटर, तो इस वजह से इसे हम लोग, ये जितने भी इस टाइप के ऑपरेटर होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। इसके अलावा जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, वो दो ऑपरेंड पर वर्क करते हैं। जैसे हमने कहा सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहां पर जो प्लस है ये क्या है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि ये दो ऑपरेंड के साथ वर्क कर रहा है, ए के साथ और बी के साथ। तो हमेशा जो उसकी मेन कैटेगरी है ऑपरेटर की वो होती है दो, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। इसके अलावा एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है, वो तीन ऑपरेंड पे वर्क करता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और तो यहाँ पर जो मेन कैटेगरी है वो यूनरी ऑपरेटर है और बाइनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर हमेशा सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करेगा, और जो बाइनरी ऑपरेटर है वो हमेशा दो ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कैटेगरीज हैं ऑपरेटर्स की, उन कैटेगरीज में हम उन्हें यूज करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर। पहला क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके अलावा दूसरा होता है रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। इसके अलावा एक होता है बिटवाइज ऑपरेटर।
बिटवाइज के बाद होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद आता है एक कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। इसके अलावा जो सेवेंथ होता है, लास्ट होता है, वो होता है स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक के बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल के बाद आता है बिटवाइज, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर। हम लोग देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, इसके अलावा मॉडुलस ऑपरेटर होता है, मॉड हम लोग बोलते हैं मॉडुलस के लिए, प्लस है, माइनस है, ये अरिथमेटिक, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, प्लस और माइनस, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल, तो ये क्या होते हैं, नॉट इक्वल। इसके अलावा ये क्या होते हैं, ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल, ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इन सभी ऑपरेटर्स को हम आगे के ट्यूटोरियल्स में एक एक करके, सभी के लिए एक एक हम इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स लाएंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे डीप में, विद प्रोग्राम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम उन्हें यूज करते हैं। तो अभी देख लेते हैं ओवरव्यू टाइप में। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं लॉजिकल एंड, इसके अलावा लॉजिकल और एक होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। क्या होता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो ये तीन होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और इसके अलावा एक होता है नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट। बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर में लेफ्ट शिफ्ट होते हैं, इसके अलावा राइट शिफ्ट होते हैं, राइट शिफ्ट के अलावा बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और होता है, इसके अलावा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर होता है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो बिटवाइज होते हैं, जो बिट लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। इसके अलावा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, ये हमेशा जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा यूनेरी ऑपरेटर होते हैं, जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये दो तरीके के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा एक ट्यूटोरियल लाएंगे इनके लिए, कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो सब आगे के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो तरीके होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ऐसे ही प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, तो ये दो तरीके के ऑपरेटर होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, इसी को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। तो इसमें इस तरीके से हम लोग इसे यूज करते हैं, दो सिंबल के साथ ये यूज किया जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर इसे हम लोग कहते हैं। हमेशा तीन ऑपरेंड पर ये वर्क करता है, इस वजह से इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो सभी ऑपरेटर्स के लिए हम इंडिविजुअल टॉपिक्स को, जो ट्यूटोरियल होंगे वो इंडिविजुअल लेकर आएंगे। कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, स्पेशल ऑपरेटर्स में क्या 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 होता है, जैसे डॉट होता है, डॉट के अलावा एरो ऑपरेटर होता है, इन्हें हम लोग मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, एरो ऑपरेटर हो गया। इसके अलावा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, वैल्यू एट ऑपरेटर होता है। तो ये कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, डॉट हो गया, एरो ऑपरेटर हो गया, एड्रेस ऑफ हो गया और वैल्यू एट। तो इन सभी ऑपरेटर्स को हम, जो हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे आगे के, उन्हें हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने आपको बताया कि सी लैंग्वेज में हम लोग कितने ऑपरेटर्स को यूज करते हैं और उन ऑपरेटर्स का वर्क क्या होता है।